देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2012 का, क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ई रेज टू द साइन एक्स माइनस ई रेज टू द माइनस साइन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। देखो एक्सपोनेंशियल टू द पावर साइन एक्स है, ठीक है, तो ई रेज टू द साइन एक्स इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन ई रेज टू द साइन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ई टू द साइन एक्स को टी अज्यूम कर लो, ठीक है। अब आप एक देखो एक्सपोनेंशियल है टी, इसका मतलब टी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, ये कंक्लूड कर लिया जैसा ही हमने ये अजम्पशन किया, ठीक है। तो टी माइनस वन बाई टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ से लिख लो टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व कर लो टी के लिए टी इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू फोर प्लस माइनस टू रूट फाइव अपॉन टू, विच इज इक्वल टू टू प्लस माइनस रूट फाइव। अब आप देखो टी को आपने पॉजिटिव कहा है तो माइनस रूट फाइव तो नहीं होगा क्योंकि रूट फाइव टू से बड़ा होता है तो माइनस में नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपके पास टी जो आया वो क्या आया टू टू प्लस रूट फाइव, ठीक, यहां से हमने माइनस एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास टी को क्या माना है ई रेज़ टू साइन एक्स इज इक्वल टू टू प्लस रूट फाइव, दोनों तरफ लॉग ले लो नेचुरल लॉग, तो साइन एक्स इज इक्वल टू एल एन ओ टू प्लस रूट फाइव, नेचुरल लॉग को बेस टेन में कन्वर्ट करना हो तो 2.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग ऑफ टू प्लस रूट फाइव बेस टेन, ठीक है, तो इज इक्वल टू 2.3 टाइम्स, देखो 2. ऐसे लिख लो टेन टू प्लस लॉग सॉरी रूट फाइव 2.24 होगा, ठीक है, 2.24 अगर हम कर लें इसको तो 4.24 2.3 टाइम लॉग ऑफ 10 4.24। अब आप देखो लॉग 5 तो 0.7 जानते हैं, लॉग 4 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2, तो लॉग 2 0. मतलब 0.6 और 0.7 मतलब हम इसको अगर हम कहें 0.65 के आसपास तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2.3 टाइम्स 0.64 ही मान लो, ठीक है, इतना ही मेरे को आइडिया नहीं, इसी के आसपास वैल्यू होगा 2.3 टाइम्स 0.64। अब आप देखो 0.6 को 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.38 समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है, ऐसा ही लिख ले रहा हूँ। आप जानते हो साइन एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, ठीक है, साइन एक्स हमेशा माइनस वन और वन के बीच में, और वन से ये बड़ा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी एक्स के रियल वैल्यूज के लिए, इसका मतलब इसका क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी नो रियल रूट, ठीक है।